नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी में। मैं अभिषेक चौबे, आज आपको कुंभ राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल बताने वाला, बशर्ते ये जानकारी गोचर के अनुसार और चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है। चंद्र राशि मतलब जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही चंद्र राशि मान्य होती है। कई लोग हैं जिनको नहीं पता है, वह अपने नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। गोचर मतलब होता है इस सप्ताह में ग्रहों की जो स्थिति रहेगी उसका हम फलादेश आपको बताएंगे। जैसे 29 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, आपके कैरियर, आपके सेहत में कैसा समय देखने को मिलेगा, हम इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, चलिएगा, आपसे मैं पुनः निवेदन कर दूं, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें, हो सके तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, जाहिर सी बात है आपके ऊपर प्रेजेंट में शनि के 7.5 चल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन पर शनि के 7.5 भी चल रही है, शनि की महादशा भी चल रही है, शनि की अंतरशा भी चल रही है। जाहिर सी बात है आपके काफी काम रुक रहे होंगे, आपको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। एक चीज याद रख लेना, शनि न्याय के देवता हैं। शनि की जो गति है वो स्लो गति है, ये वर्क करवाते हैं बड़े स्लो करवाते हैं। आप लोग बड़े मेहनती व्यक्ति होते हो, आप लोग बहुत इमोशनल भी होते हो, जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो। प्रायः देखा जाता है आपके साथ लोग चीट करके चले जाते हैं। इस सप्ताह में देखो, मैं साप्ताहिक राशि फल तो आपके साथ शेयर करूंगा ही, उससे पूर्व मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं। अगर आप अपने लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में, अपने कैरियर में या सेहत को लेके बहुत परेशान हैं, बहुत जगह आपने ट्राई कर लिया, लोगों से सलाह ले ली है, बशर्ते आपको कहीं सेटिस्फाइड आप नहीं हुए किसी की बातों से, किसी ने आपको रियलिटी नहीं बताई है, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, लव किया आपसे, बाद में वो बदल गया, किस वजह से वो व्यक्ति बदला है आप उसका अगर इंतजार कर रहे हैं तो वो आपके जीवन में वापस आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में लिखी रहती हैं। इसकी बिल्कुल रियलिटी आप जानना चाहो, आपके पास कुंडली नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप फेस रीडिंग करवा सकते हो, तो आप उसके थ्रू भी जान सकते हो किस वजह से उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, वो कब तक वापस आएगा। आएगा तो हम बता देंगे, नहीं आने का योग होगा तो हम आपसे सीधे बोल देंगे कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाइए, लेकिन सच सुनने की आप क्षमता रखो तब हमारे पास संपर्क करना, अन्यथा कहीं और चले जाना, दुनिया में लग के लोग पड़े हैं। आप हमारे वीडियो के नीचे भी बहुत सारे लोगों की वीडियो आ रहे होंगे, कहीं इंस्टाग्राम पे आ रहे होंगे, कहीं और ऐपों पे आ रहे होंगे, कहीं आप और देख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम आपको मिसगाइड नहीं कर सकते हैं, ना ही आपके मन की झूठी दिलासा देंगे, आपको जो सत्य होगा वही बताएंगे। देखो, इस सप्ताह में आपको सबसे बड़ी खुशी अगर मिलेगी तो आपको अपने किसी लव पार्टनर से मिलेगी, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उस रिश्ते में आपको बहुत खुशियां मिलेंगी पार्टनर से। इस सप्ताह में आपका पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट देगा आपके रिश्ते को लेके। अगर आप कहीं बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं काफी समय से दोनों लोग, बहुत अच्छा योग है, मतलब आप जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग साथ में समय व्यतीत करेंगे एक दूसरे के साथ। ही अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से आप लव करते हैं, बिल्कुल अपना प्यार इजहार कर सकते हैं अपने प्यार का। साथ ही अगर कोई आपसे, आप सिंगल व्यक्ति हो तो आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होगी। इस सप्ताह में इन चीज़ों में बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। सेकंड नंबर, अगर आपको कोई चीट करके गया था, कोई मेष राशि का पार्टनर रहा हो, या कोई कर्क राशि का, या कोई वृश्चिक राशि का, या फिर कोई धनु राशि का, या कोई मकर राशि का, इन राशियों का कोई अगर आपका एक्स पार्टनर है तो इस सप्ताह में उनसे आपका संपर्क होगा, अगर कुंडली में आपके दोष नहीं है तब, बहुत अच्छा योग है। आपके मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, काफ़ी मनमुटाव वाली स्थिति बनेगी, तो मैरिड लाइफ में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बात को लेकर पार्टनर से आपका बहस हो सकता है।
आप किसी से लव मैरिज के लिए अगर सोच रहे हैं तो हम आपको इस चीज़ में सलाह नहीं देंगे कि आप उनकी फैमिली से या उनसे इस विषय में अभी चर्चा करें, ना ही करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही अगर आपका किसी के साथ अफेयर था, एक व्यक्ति मैरिड है या दोनों व्यक्ति मैरिड हैं, तो उस रिश्ते में आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अफेयर वाले में अगर आप उसमें सावधान नहीं रहे तो आपकी पोल खुल सकती है, मतलब आपके किसी करीबी व्यक्ति को पता लग सकता है या फिर आपके पार्टनर के करीबी व्यक्ति को, जिस वजह से आपका पार्टनर आपको ब्लॉक वगैरह भी कर सकता है। इस रिश्ते में सावधानियां आपको बरतनी है, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके सेहत के बारे में। अगर आप सेहत में काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे तो सप्ताह में सेहत में आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा, चाहे आपको शारीरिक कोई कष्ट हो या फिर मानसिक कोई कष्ट हो, इन दोनों चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। कोई पुराना अगर कोई बीमारी आपको अभी एक आध महीने पहले हुआ था, कुछ रोग वगैरह उससे आप पीड़ित चल रहे थे, तो उसमें भी आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। इस सप्ताह में आपको एक काम विशेष करने की आवश्यकता है, आपको डेली हनुमान चालीसा सूर्योदय के समय आप अगर पढ़ें बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा, बहुत लाभकारी रहेगा आपके लिए। इस सप्ताह में अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई की अगर हम बात करें, आपकी चाहे उच्च पढ़ाई हो या फिर स्कूल वाली पढ़ाई हो, दोनों में आपका मन अच्छा लगेगा। साथ ही अगर कोई आप डिसीजन लेना चाह रहे थे पढ़ाई के मामले में, बिल्कुल ले सकते हैं, आपके लिए जो डिसीजन लोगे वो बेस्ट साबित होगा, ठीक है। साथ ही आपके हम कैरियर के बारे में अगर बात करें तो आपकी जो इनकम सोर्स हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। जब इनकम सोर्स में बढ़ोतरी होने वाली है तो जाहिर सी बात है ग्रहों की स्थिति आपके कैरियर के लिए बहुत खास है, विशेष उन लोगों के लिए जो लोग बिजनेसमैन हैं, चाहे आप सिंगल बिजनेस करते हो या पार्टनरशिप में ही आपका क्यों बिजनेस ना हो, उसमें भी आपको खुशियाँ होंगी, ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है खुशियाँ तो आएंगी ही आपके लाइफ में। आप अगर जॉब में हैं, पहले से आप जॉब में हैं, तो उस जॉब में हो सकता है कि आपके प्रति थोड़ा षड्यंत्र टाइप में लोग करें आपके प्रति, आपके ऐसा आपको लगे कि कोई आपकी चुगली कर रहा है या आपसे लोग जल रहे हैं, ऐसा समय आपको देखने को मिलेगा, चाहे प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों ना हो, खींचातानी देखने को मिलेगी, लेकिन आपका वर्क बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही एक चीज़ आपको और ध्यान देने की आवश्यकता है, अगर आप फॉरेन के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे थे तो सप्ताह में इतना अच्छा योग नहीं है, किसी नए पर्सन को आप पैसे ना दें इस विषय के चलते, मतलब वीजा के चलते, अगर आप दोगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति थोड़ा आपको प्रॉब्लम करे या फिर आपके साथ स्कैम हो जाए किसी प्रकार का, तो सप्ताह में आपको इस चीज़ में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, ठीक है। आपको ये जानकारी हमने गोचर के अनुसार चंद्र राशि के आधार पर दी है, पुनः कहूँगा आप रियलिटी जानना चाहें तो आप पर्सनल संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। आज के लिए बस इतना ही, मैं कल पुनः मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।